वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल द साइड प्रिया सिंह। सो गाइस, आज के वीडियो का टॉपिक होने वाला है समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। सो आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, गेट रेडी विथ मी फॉर माय न्यू हाउस वार्मिंग पार्टी। सो आज बेसिकली गृह प्रवेश की एक छोटी सी पार्टी दी है हम सब लोगों ने, एंड प्लस आज मम्मी पापा की 35th एनिवर्सरी है। सो दैट्स द रीजन मैं इतना अच्छे तरीके से रेडी शेडी हुई हूँ। सो आई थॉट कि क्यों ना यार मैं इसे भी शूट करके आप लोग के साथ शेयर करूँ। सो गाइस, विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टेप वन इज स्किन पैम्पर केयर। तो सबसे पहले फेस वॉश करने वाली हूँ। इसके लिए यहाँ पर मैं गुड वाइब्स का चारकोल फेस वॉश यूज़ करने वाली हूँ। थोड़ा सा अमाउंट लूँगी एंड इसे अपने वेट फेस पे जनरली मसाज करने वाली हूँ। सो इस टाइम पे मेरी स्किन में बहुत सारे एक्ने ब्रेकआउट्स हो रहे थे, तो ये मेरी स्किन को ना बहुत ही अच्छी तरीके से क्लेंस करता है, इम्प्योरिटीज़ को प्योरीफाई करता है, एंड एट द सेम टाइम मेरी स्किन काफ़ी ज़्यादा काम एंड सूद फील करती है। बिकॉज ड्यू टू सम रीज़न मेरे फेस पे काफ़ी ज़्यादा एक्ने हो रहे थे, तो इसे यूज़ करने से काफ़ी ज़्यादा मुझे बेनिफिशियल मिल रहा था। आफ्टर मसाजिंग इट मैं अपने फेस को अच्छे से ठंडे पानी से वॉश कर लूंगी। सो गाइज, आप देख सकते हैं मेरे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्ने ब्रेकआउट्स हो गए हैं बिकॉज मैंने एक पार्लर में जाके फेस मास्क लगा लिया था उसके। सेकेंडली, आई विल यूज़ दिस गुड वाइब्स चारकोल फेस स्क्रब। आप देख सकते हैं मैंने कितना ज़्यादा अमाउंट यूज़ कर लिया इसका ऑलरेडी। सो मैं अपने एक्ने वाले एरिया को छोड़ के हर एक पूरे फेस पे मसाज करने वाली हूँ, स्क्रबिंग करने वाली हूँ। सो बेसिकली ये चारकोल स्क्रब मेरे क्लॉग्ड पोर्स को अच्छी तरीके से डीपली क्लेंस करता है, डेड स्किन सेल्स का बिल्डअप रिमूव करता है, मेरी स्किन को क्लैरिफाई करता है, एंड एट द सेम टाइम अगर आप कोई बिग इवेंट में जा रहे हो ना तो डेफिनेटली अपनी स्किन को स्क्रब ऑफ कीजिए, सो दैट कि जितना भी डेड स्किन सेल्स का एक्यूमुलेशन होगा वो रिमूव हो जाएगा। आफ्टर वॉशिंग माई फेस आप देख सकते हैं मेरी स्किन कितनी ज़्यादा इंस्टेंटली क्लीन रग ली है। नेक्स्ट, आई विल यूज़ चारकोल फेस मास्क अगेन फ्रॉम गुड वाइब्स। सो मैं इसे अपने पूरे फेस एंड नेक एरिया पे इवनली अप्लाई करने वाली हूँ। सो चारकोल इज समथिंग जो आपके स्किन में डीपली जाके एक्सेसिव सीबम ऑयल को कंट्रोल करता है, एंड एट द सेम टाइम ये ना मेरी स्किन को काफ़ी ज़्यादा स्किन टोन को इन्हांस करता है, मेरे स्किन टोन को काफ़ी ज़्यादा लाइटन अप करने में हेल्पफुल रहता है, एक्ने ब्रेकआउट्स को रिड्यूस करता है, एंड स्क्रब करने के बाद डेफिनेटली आप फेस मास्क यूज़ कीजिए फॉर गुड रिजल्ट्स, क्योंकि बिग इवेंट भी है, दैट्स द रीज़न मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। आफ्टर वॉशिंग माई फेस आप देख सकते हैं मेरी स्किन काफ़ी ज़्यादा ग्लोइंग लग रही है, काफ़ी ज़्यादा हेल्दी लग रही है, एंड जो एक्ने था वो काफ़ी हद तक सूद हो गए हैं। आफ्टर दैट मैं यहाँ पे गुड वाइब्स का ब्राइटनिंग कॉफ़ी शीट मास्क यूज़ करने वाली हूँ। तो गाइज, अगर आप अपने स्किन में इंस्टेंट ग्लो चाहते हो ना तो आप डेफिनेटली इसे शीट मास्क ट्राई कीजिए। तो मैं इस शीट मास्क को इवनली अपने पूरे स्किन में लाइक अप्लाई कर लूँगी, एंड इसे आपको प्रॉपरली 15 to 20 मिनट्स के लिए अपने स्किन में ऐसे रहने देना है, एंड आप रेस्ट पोजिशन पर आ जाइए टू इन्जॉय योर शीट मास्क। तो ये ना मेरी स्किन को इंस्टेंटली रिफ्रेश कर देती है, मेरी स्किन काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट एंड स्मूथ लगने लगती है आफ्टर यूजिंग दिस, एंड एक्स्ट्रा जो सीरम होता है ना उसे डेफिनेटली अपने आईज़ एरिया पे, नेक एरिया पे एंड लिप्स पे डेफिनेटली अप्लाई कीजिए, एंड इसे 15 टू 20 मिनट्स बाद मैं इसे अपने रिमूव कर लूँगी अपने फेस से, एंड नाउ आप देख सकते हैं मेरी स्किन का जो रेडियंस है वो कितना ज़्यादा क्लियर लग रहा है। बहुत ही ज़्यादा इसके इफ़ेक्ट्स मेरे स्किन पे काफ़ी अच्छे आए हैं बिकॉज कॉफ़ी में एंटीऑक्सीडेंट्स होता है, तो ये आपकी स्किन को ग्लोई बनाता है। स्टेप टू इज़ मेकअप लुक। तो फर्स्ट स्टेप में मैं यहाँ पे फेस प्राइमर यूज़ करने वाली हूँ लैक्मे एब्सोल्यूट का। सो आई ऑलरेडी डिड माई स्किन केयर ऑफ कैमरा, तो इस फेस प्राइमर को मैं अपने पूरे फेस एरिया पे अप्लाई करने वाली हूँ बिकॉज ये एक बिग इवेंट है। सो आई वॉन्ट कि मेरे अच्छे तरीके से पोर्स अच्छी तरीके से फिल इन हो जाएँ, एंड आफ्टर दैट मैं नेक्स्ट स्टेप यूज़ करने वाली हूँ कंसीलर पैलेट। एज यू नो कि मुझे थोड़े बहुत एक्ने स्कार्स हो गए हैं ड्यू टू ब्रेकआउट्स, सो मैं उसे हाइड करूँगी विथ येलो कंसीलर, एंड ऑरेंज कंसीलर से मैं अपने थोड़े से लाइक पिगमेंटेशन एरिया को हाइड करने वाली हूँ। आफ्टर दैट मैं इसे अच्छी तरीके से अपने फिंगर्स की हेल्प से ही ब्लेंड करने वाली हूँ। यहाँ पे मैं पर्पल का पैलेट यूज़ किया था। कंसीलर के लिए यहाँ पे मैं मेबेलिन का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। मैं इसे अपने पूरे मार्क्स पे अप्लाई करके ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसे ब्लेंड करूँगी ईजली, सो दैट कि मेरी स्किन इवन आउट लगे, एंड आप देख सकते हैं मेरे जितने भी एक्ने स्कार्स थे वो इवन आउट हो चुके हैं। सो फाउंडेशन के लिए यहाँ पे मैं दो शेड मिक्स करने वाली हूँ, पंप वन एंड बॉटल वन, एंड इसके अंदर मैं थोड़ा सा मेबेलिन का लिक्विड हाइलाइटर मिक्स करने वाली हूँ, एंड इसे डॉटेड मोशन में अपने पूरे फेस नेक एरिया पे अप्लाई कर लूँगी, एंड आफ्टर दैट विद द हेल्प ऑफ दिस डैम ब्यूटी ब्लेंडर मैं अपने पूरे
फाउंडेशन को ब्लेंड करने वाली हूँ थॉरली। आप मेकअप ब्रश भी यूज़ कर सकते हो, बट अगर आप चाहते हो अगर आपका मेकअप काफ़ी टाइम तक स्टे करे तो डेफिनेटली यार डैम ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करना, बिकॉज ये आपके स्किन पे फाउंडेशन को बहुत टाइम तक स्टे करके रखता है। नेक्स्ट आई विल यूज़ दिस लूज पाउडर फ्रॉम मेबलिन अगेन। सो लूज पाउडर्स मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, बट लाइक हैवी इवेंट होता है जस्ट लाइक शादी और सम काइंड ऑफ फंक्शंस, सो आप इसे डेफिनेटली इसे यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये बेकिंग में काफ़ी अच्छी तरीके से हेल्प करता है। एंड इस टाइम पे तो ये मेरे फेस पे बहुत ही अच्छी तरीके से सूट कर रहा है। आई शेडो के लिए यहाँ पे मैं स्विस ब्यूटी का ऑरेंज शेड चूज़ करती हूँ, एंड इसे विद द हेल्प ऑफ ब्रश मैं इसे थॉरली ब्लेंड करने वाली हूँ। ब्लेंडिंग इज़ द की, तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से ब्लेंड करना है। आप अपनी लाइक ड्रेस के अकॉर्डिंग मेकअप आई मेकअप कर सकते हो, बट मुझे काफ़ी सटल रखना था, दैट्स द रीज़न, तो मैंने उस अकॉर्डिंग ऑरेंज शेड चूज़ किया। आफ्टर दैट मैं इसी पैलेट का गोल्डन ग्लिटर शेड को लेके अपने इनर कॉर्नर पे लाइक अपने फिंगर्स की हेल्प से ही ब्लेंड करने वाली हूँ, बिकॉज फिंगर्स से काफ़ी अच्छी तरीके से ग्लिटर अप्लाई हो पाते हैं। यहाँ पे आईलाइनर के लिए मैं फेसेस कैनेडा का ब्लैक जेट आईलाइनर यूज़ करने वाली हूँ। ये बहुत ही सुपरबली वर्क करता है, बहुत ही जल्दी आपके ना लाइक विंग लाइनर अगर आप क्रिएट करना चाहते हो तो बहुत ही क्रिएट ईजिली हो जाता है। आप देख सकते हो टेंटना एक ही स्ट्रोक में मेरा काफ़ी अच्छे तरीके से आईलाइनर लग गया था। फिर मस्कारा मैं यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ, मेबलिन का मस्कारा दैट पर्पल वन। ये बहुत ही अच्छी तरीके से लाइक मेरे आईलैश को कर्ल करने में बहुत ही अच्छी तरीके से वर्क करता है, एंड स्टेइंग पावर इज़ आल्सो गुड। सो जो येलो वन है ना वो बहुत ही कम टाइम तक स्टे करता है एंड काफ़ी जल्दी स्मज हो जाता है, आई फील सो। सो उसके बाद मैं यूज़ करने वाली हूँ यहाँ पे आईब्रो पेंसिल। सो ये है मिस क्लेयर का ब्राउन शेड आईब्रो पेंसिल। सो मुझे पर्सनली नेचुरल आईब्रो ज़्यादा अच्छे लगते हैं रेदर देन कि मैं आईब्रोज़ को प्रॉपरली फिल इन कर दूँ विद ब्लैक आईब्रो पेंसिल। सो अगर आप नेचुरल लुक चाहते हो तो डेफिनेटली से ब्राउन आईब्रो पेंसिल ही यूज़ कीजिए फॉर नेचुरल वन। एंड ब्लश के लिए यहाँ पे मैं शुगर का ऑरेंज शेड ब्लश यूज़ करने वाली हूँ। सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, सो डेफिनेटली से चेकआउट कर लेना। एंड ब्लशेस को थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही लगाइए, बिकॉज इवेंचुअली वो आपके स्किन में जाके ब्लेंड हो जाता है एंड काफ़ी अच्छे तरीके से पेनिट्रेट हो जाता है। सो हमेशा एक्स्ट्रा ब्लश ही लगाने की कोशिश कीजिए। एंड विद द एंड ऑफ दिस मैं यहाँ पे लाइटर यूज़ करने वाली हूँ। एक फ्लफी ब्रश की हेल्प से मैं अपने पूरे चीक बोन्स पे, आईब्रोज़ के नीचे एंड देन अपने नोज़ एरिया पे, चिन एरिया पे, लिप अपर चिन पे अच्छी तरीके से हाइलाइटिंग करने वाली हूँ। एंड फिंगर्स की हेल्प से मैं अपने इनर कॉर्नर्स पे अप्लाई कर लूँगी हाइलाइटर। उसके बाद मैं यहाँ पे लिपस्टिक के लिए यूज़ करने वाली हूँ 11 शेड फ्रॉम इनसाइड ब्रांड। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा शेड है, बिकॉज दिस इज़ लाइक सॉर्ट ऑफ काइंड ऑफ मैट लिपस्टिक, तो ये काफ़ी टाइम तक स्टे करके रखती है आपके लिप्स पे, मोर देन 3 to 4 आवर्स, तो उसके लिए सबसे बेस्ट है। बहुत ही अफोर्डेबल आती है, लाइक 80 रुपीज़। सो हेयर को एज़ यूजुअल मैं ओपन रखने वाली हूँ, बिकॉज बहुत ज़्यादा लेट हो गया था रेडी शेडी होने में कि हेयर स्टाइल करने का टाइम ही नहीं मिला एज़ यूजुअल। उसके बाद एक्सेसराइज के लिए मैं यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ दिस ब्यूटिफुल ज्वेलरीज, जिसे आई गेस मुझे मैंने कोई ऑनलाइन स्टोर से लिया था, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक डाल दूँगी। बहुत ही ब्यूटिफुल ईयरिंग्स हैं एंड काफ़ी ज़्यादा हेवी भी थी, सो इसे वेयर करने के बाद मैं कंप्लीट करने वाली हूँ विद दिस ब्यूटिफुल रिंग। आफ्टर दैट मैं यहाँ पे रोल ऑन यूज़ करने वाली हूँ, बिकॉज रोल ऑन इज़ समथिंग ना जो आपके फुल बॉडी को काफ़ी टाइम तक लाइक स्मेल अच्छा करके रखता है। एंड यहाँ पे मैं कारमेसी का यूज़ कर रही हूँ एंड इसे ब्लेंड कर लूँगी। उसके बाद मैंने परफ्यूम यूज़ किया था जो कि मैं कैप्चर करना भूल गई इवेंचुअली एज यूजल। आफ्टर दैट मैं यहाँ पे दुपट्टा मेरा बहुत ज़्यादा सिंपल था, तो मैं डिसाइड करी थी मैं उसे कैसे कैरी करूँ, सो मैंने कोई भी लाइक नेक पीस नहीं वेयर किया था, सो दैट्स वाई मैंने सोचा कि मैं इसे लाइक अपने पूरे नेक साइड पे होल्ड कर लेती हूँ, सो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा सिंपल दुपट्टा था तो ऐसा लुक काफ़ी सही रहता। एंड हियर इज़ माई फाइनल लुक, आप देख सकते हैं।
So that's the end of this video. Hopefully guys, आज की वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी होगी. And today is the very big day for me and for my family because आज गृह प्रवेश भी हुआ है, प्लस इसकी छोटी सी पार्टी रखी है. येट एट द सेम टाइम आज मम्मी पापा की 35th एनिवर्सरी भी है. सो दैट्स द बिग इवेंट फॉर मी. सो आई थॉट कि क्यों ना मैं आप लोग के साथ भी अपना ये मोमेंट कैप्चर करके शेयर करूँ. सो अगर आपके भी घर में कोई बिग इवेंट है, शादी वगैरह है, तो अगर आपको भी ऐसे ही रेडी शेडी होना है तो आपको एक काइंड ऑफ आइडिया मिल जाए थ्रू दिस वीडियो. सो गाइज, अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, अपनी सारी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना. मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर, बाय.